दोस्तों मैं अमित झा आपके अपने YouTube चैनल राइडर अमित में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों आज मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, बहुत ही विशेष टॉपिक जो कि हम लोग, मैं भी आप भी बहुत सारे लोग जाने अनजाने ये गलतियां करते हैं, तो मैं आज उन्हीं सब बिंदुओं पे चर्चा करना चाहता हूँ। हो सकता है कि कुछ बिंदु छूट जाए, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि हमने किस चीज को नहीं बता पाया है। सबसे पहला बिंदु कि हम लोग सेफ्टी को ही नजरअंदाज कर देते हैं, पता नहीं क्यों। आखिर सेफ्टी से हम लोगों को क्या एलर्जी है पता नहीं बता सकता हूं मैं, लेकिन ये प्राय देखा गया है कि यार चप्पल, हवाई चप्पल पहना है, चलो बाइक लेकर निकल गए रास्ते, हेलमेट नहीं है, कोई टेंशन नहीं, निकल गए। तो इसका हेलमेट जो हम लोग यूज करते हैं वो हमारी सेफ्टी के लिए है, वो मेरे लिए है, ना कि पुलिस से बचने के लिए है। क्योंकि कभी कभी दिमाग में ऐसा भी आता है कि यार यार फलाने जगह जाना है, चलो कोई चेकिंग नहीं हुआ, चलो बिना हेलमेट कहीं चले जाते हैं, ये गलत है, इसको सुधारें, आदत को बदलें। हेलमेट हम लोगों के लिए है, हमारी सुरक्षा के लिए है, ना ही पुलिस से बचने का कोई जरिया है। और दूसरी, हवाई चप्पल पहन के तो गाड़ी ना ही चलाएं तो बेहतर होगा, जूते पहन के चलाएं, अंततः अगर जूते संभव नहीं है या फिर हर समय जूते नहीं पहन सकते हैं तो वो जो क्लिप वाला एक चप्पल आता है जो एड़ी के ऊपर से बेल्ट के थ्रू बंध रहता है, अंततः वो यूज करें ताकि आपके पैर स्लिप ना करें। उसके बाद एक महत्वपूर्ण बात यह है, एक बिंदु यह है कि हम लोग फ्रंट ब्रेक के यूज करते ही नहीं है। इस पे तो बहुत लोगों का बहुत सारा तर्क है, जिसमें कुछ लोगों का ये भी तर्क है कि भैया अगला ब्रेक जो होता है वो गाड़ियों को घर में रखने के लिए और घर से निकालने के लिए, दैट मीन्स कि उसको जब घर में आप पार्क करते हैं या गैरेज में पार्क करते हैं उस समय केवल उसका यूज होता है फ्रंट ब्रेक का, और या तो फिर निकालते हैं गैरेज से या घर से उस समय यूज, जो कि सरासर गलत है। दोस्तों शायद आपको पता नहीं होगा, हो सकता है कि पता हो भी, तो मैं बता दूं कि अगला ब्रेक जो होता है गाड़ियों का, बाइकों का, वो 75% वर्क करता है गाड़ी को रोकने के लिए, 25% ही रियर ब्रेक का सपोर्ट उसको मिलता है ताकि गाड़ी रुके। तो बात अब ये आती है कि हम लोगों को अगला ब्रेक और पिछला ब्रेक को एक साथ लेने का अभ्यास को बदलना चाहिए, अगर गलत अभ्यास है तो उसको सुधारना चाहिए। ये हो गई दूसरी बिंदु। तीसरी बिंदु पे चर्चा करते हैं, तो ये एक बहुत ही छोटी सी बात है, बहुत ही छोटी सी गलती, लेकिन इसका जो नुकसान होता है इस छोटी गलती का तो बहुत बड़ा होता है, जान रहे आप लोग भी। हम लोग टर्न लेते समय तो एकदम परफेक्ट टर्निंग लाइट इंडिकेटर का यूज करते हैं, लेकिन टर्न को कंप्लीट करने के बाद हम लोग उसको ऑफ करना भूल जाते हैं। ये है दोस्तों बहुत छोटी बात, लेकिन इसके जो नुकसान होते हैं तो बहुत बड़े,
और इतने बड़े कि हम और आप शायद सोच भी ना पाए, और भगवान ना करे कि वो किसी के साथ हो। तो ये हो गई तीसरी तर्क। चौथा बिंदु ये है कि हम लोग बाइक को अगर सुबह सुबह पहला स्टार्ट देते हैं, पहला स्टार्ट करते हैं, तो उसको बस स्टार्ट देने के बाद राइडिंग चालू नहीं करनी चाहिए। उसको आइडल स्पीड मतलब ट्यूनिंग में कम से कम 15 से 20 सेकंड तक वार्म अप होने दें, ताकि इंजन ऑयल इंजन के हर एक कोने कोने में पहुंच जाए और आपका इंजन सही से लुब्रिकेट होना स्टार्ट हो जाए। उसके बाद ही हम लोग गाड़ी को घर से निकालें राइडिंग करें। इसके बाद एक बिंदु है कि हम लोग गाड़ियों के पहियों में, टायरों में सही टायर प्रेशर रखें, ना ही कम रखें ना ही ज़्यादा रखें, ताकि आपका गाड़ी का परफॉर्मेंस भी सही हो, माइलेज भी वो सही दे, आपको चलाने में बढ़िया लगे, आपके टायर की लास्टिंग भी बढ़ेगी, टायर ज़्यादा समय तक चलेगी, और भी बहुत सारे फायदे हैं। इसके बाद दोस्तों हम लोग एक कॉमन गलती करते हैं, हम लोगों में से सभी भाई करते होंगे, मैं भी कभी किया था, खैर अब नहीं करता हूँ, कि डाउनहिल बोले तो किसी भी ऊंची जगह से बाइक लेकर नीची जगह में आते समय डाउनहिल में हम लोग, अरे बुद्धि का तो दावा है हम लोगों में, तो हम लोग इंजन को ऑफ कर देते हैं। भैया क्यों? तेल बचाएंगे यार, बहुत महंगा है, जो कि गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि इंजन को बंद कर देने के बाद आपकी गाड़ी की स्पीड बहुत ज़्यादा कई गुना बढ़ जाती है। इसमें सही तरीका है कि इंजन को स्टार्ट रखें और डाउन गियर में आए, जिससे इंजन से भी आपको ब्रेकिंग पावर मिले और गाड़ी आपके कंट्रोल में रहे। इसके बाद हम लोग एक गलती और करते हैं कि लाइसेंस्ड ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बनवाते हैं। ऐसा मानना है कि उसकी जरूरत नहीं है, लेकिन दोस्तों मैं बता दूं आपको, जब किसी भी दिन अगर कोई दुर्घटना होती है तो आपको उस दिन पता चलेगा कि आखिर लाइसेंस का वैल्यू क्या है, इसका काम क्या है। लाइसेंस का मतलब है कि आपके पास एक अधिकार है कि आप ड्राइविंग कर सकते हो। अगर नहीं है और आप ड्राइविंग कर रहे हैं, ये बहुत बड़ा क्राइम है, तो लाइसेंस को इग्नोर ना करें, लाइसेंस लेकर चलें, अगर नहीं है तो बनवा लें। इसके बाद कि कुछ नवयुवकों का यह मानना है कि भैया अगर गाड़ी आस्ते चलाया ना तो इज्जत की तो वाट लग जाएगी, और इस सोच के साथ वो लोग दोस्तों को दिखाने के लिए ओवर स्पीड मतलब अपनी लिमिट को खो देते हैं, और केवल दिखावे में। ऐसा स्किल नहीं है उनके पास कि वो हाई स्पीड में चले, लेकिन केवल दिखाने के लिए कि भैया हमारा इम्प्रेशन सही रहे, मैं इतनी तेजी से गाड़ी चला सकता हूँ, अगर मेरा कोई दोस्त 100 पे कभी गाड़ी चलाया है तो मैं ये कोशिश करूंगा कि मैं 110 पे गाड़ी चलाऊ। नहीं, हो सकता है कि आपके उस दोस्त के पास गाड़ी की कंट्रोलिंग कैपेसिटी हो,
वो गाड़ी को कंट्रोल कर सकता हो, इसलिए वो ऐसा किया हो। लेकिन आपने क्या सोचा कि नहीं यार वो 100 पे चलाया है, तुम्हें 110 पे चलाओ का, और उसको दिखा दूंगा कि देख भैया आई एम द बेस्ट। लेकिन ये गलत है। और उसके बाद अगर पीछे में, पीछे वाले सीट पे कोई लड़की अगर बैठ गई, बोलो तो गर्लफ्रेंड अगर बैठ गई, या नहीं भी है तो किस कोई बैठ गई, ये समझ लो मैं नहीं तब तो भैया क्या कहने, उनके तो पंख लग जाते हैं और वो 20 पे 40 पे 60 पे तो चलने की कोशिश ही नहीं करते, सीधा 100। अरे भैया अपना नहीं तो जो पीछे बैठा है उसकी तो चिंता करो। सभी बातों का निचोड़ यह है, सभी बिंदुओं का केवल एक ही टारगेट है कि सेफ ड्राइविंग, सेफ ड्राइविंग, सेफ लाइफ। दोस्तों ये वीडियो आप लोगों की कैसी लगी कमेंट में बॉक्स में जरूर बताएं। मेरे चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल बटन को प्रेस करें, लाइक करें, शेयर करें, और मैं आप लोगों से विदा लेता हूं अपने अगले वीडियो के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।